हेलो एवरीवन, शिव शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो रहेगा वो इनर डिवाइन मैस्कुलाइन इम्बैलेंस के ऊपर रहेगा, और इसमें जो मैं बताऊंगी ये मेरा ही एक्सपीरियंस रहेगा, जहां मेरा ही इनर डिवाइन मैस्कुलाइन इम्बैलेंस था और बहुत सी चीज़ें जो मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन मिरर कर रहे थे, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बट जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती जाती है, आपको पता चलने लगता है कि यस, ये इशू मेरे ही अंदर है। मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन जो 3D वर्ल्ड में है, वो हमको हेल्प कर रहे हैं हमारे इशू रिलीज़ करने में। बट क्या होता है, आपकी अवेयरनेस उस लेवल की नहीं होती है जिससे आप समझ पाओ, जिसकी वजह से आप अपने ही DM को जज और ब्लेम करने लगते हो, या मैं ये कहूँगी आप डिकोड नहीं कर पाते हो कि आखिर ये क्या DM मुझे किस बात पे ट्रिगर कर रहे हैं, कौन से इशू पे ट्रिगर कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊँगी। जब मेरे अंदर का इनर डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड थी, या ये कहूँगी ओवर एक्टिव थी, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस, या आपका ईगो, एंगर, आर्ग्यूमेंट, ये जो मैं 4-5 आपको इशू बताए, विक्टिम मेंटलिटी आपकी हो गया, और बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करना, फाइनेंशियली इम्बैलेंस फील करना, ये दिखाता है कि आपका मैस्कुलाइन एनर्जी इम्बैलेंस हो। अब यहाँ बात 3D वर्ल्ड में आती है। ये सारे साइन जो मैंने आपको बताए हैं, ये मेल बॉडी में भी हो सकते हैं, आपके DM के अंदर भी हो सकते हैं, तो समझ जाइए कि आपके DM के अंदर उनका इनर DM इम्बैलेंस है। और अगर आपके अंदर ये इम्बैलेंस है, तो समझ जाइए आपके अंदर का इनर DM एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, या तो अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है, ठीक है। कहीं पर ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, कहीं आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो क्या है आपका मैस्कुलाइन एनर्जी? अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो ओवर एक्टिव है आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको किसी भी एरिया में कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, लोगों को फेस करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, जॉब करने में आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी बॉडी को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये दिखाता है कि आपका मैस्कुलाइन एनर्जी अंडर एक्टिव है, ठीक है। तो अगर ये आपके अंदर हैं और आपके DM 3D वर्ल्ड में बोलते हैं, तो आप समझ जाइए वो ट्रिगर कर रहे हैं आपके इशू को, आपको दिखा रहे हैं कि आप इस पर वर्क कीजिए, बट आप नहीं समझ पाते हो आपको क्या चाहिए, DM चाहिए। DM भी मिलेगा, बट वो उससे पहले के जो आपके बीच, दोनों के बीच ब्लॉकेजेस हैं, इश्यूज हैं, उन पे वर्क कीजिए, ठीक है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि आपके DM के इश्यूज सेम नहीं होते हैं, DM भी फाइनेंशियली बैलेंस होते हैं और DM भी फाइनेंशियली बैलेंस होती है, राइट? और सेकंड केस ऐसा होता है कि DM इम्बैलेंस होते हैं मनी को लेकर, और DF मनी को लेकर बैलेंस होती है। थर्ड साइन ये है कि DF मनी को लेकर इम्बैलेंस होगी, बट DM मनी को लेकर बैलेंस होंगे। फोर्थ साइन ये भी हो सकता है कि दोनों ही मनी को लेकर इम्बैलेंस हो, DF भी और DM भी, ठीक है। तो ये आपका केस में पता चलता होगा कि आप किस सिनेरियो में हैं चारों में से, ठीक है। तो इन चार में से कोई ना कोई तो आपका ज़रूर होगा, आप बैलेंस भी हो सकते हैं, इम्बैलेंस भी हो सकते हैं, और जो दो और बताए हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ईगो है। अब आपके अंदर हो सकता है आपको अपनी पर्सनैलिटी को लेकर ईगो हो, बट आपके पर्सन जो हैं उनके अंदर मनी को लेकर ईगो है, बट है ईगो, ठीक है। तो अगर आपको फील हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर पर्सनैलिटी को लेकर ईगो है, ब्यूटी को लेकर ईगो है, तो आप उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। अगर आपको ये भी क्लियर है कि आपके DM को मनी को लेकर ईगो है, तो आप उस पर भी वर्क कर सकते हैं, उनका इशू भी आप रिलीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये उनका ब्लॉकेज है, डिवाइन उनके अकॉर्डिंग रिलीज़ करा देगा, ठीक है। तो मेरे अंदर जो था वो सबसे बड़ा जो मैस्कुलाइन एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव थी, फियरलेस होना, ठीक है, जहाँ फियर होना चाहिए वहाँ हद से ज़्यादा फियर हो गया, ठीक है। और रिएक्ट करना छोटी छोटी बातों पे, आर्ग्यूमेंट करना, एंगर की एनर्जी में 24 आवर्स रहना, समझ रहे हैं ना, इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव थी मेरे अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी की, मैं 24 एंगर में रहती थी, एंगर एनर्जी में, किसी ने कुछ भी कह दिया, थोड़ी देर शांत हुई, फिर एंगर आ गया, फिर एंगर आ गया, रात भर माइंड में ऐसे निगेटिव थाट्स आना,
कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कहा, मेरी बात क्यों नहीं सुनी। और इससे क्या होता था, मैं खुद को ही हर्ट करती थी, खुद को बहुत ही ज़्यादा ट्रैप वाली एनर्जी में फील करती थी। ये तब की बात है जब अवेकनिंग के प्रोसेस में नहीं थी, या मैं ये कहूँ डीएम भी उस टाइम में नहीं थे, बट डीएम के आने के बाद भी, अवेकनिंग होने के बाद भी ये सारी चीज़ें रिपीट हुई। क्यों हुई? क्योंकि ये बुंड्स मेरे अंदर बन चुके थे, ये निगेटिविटी मेरे अंदर थी, ये सारे ब्लॉकेजेस मेरे अंदर कहीं ना कहीं थे। तो आपके अवेकनिंग के बाद आपको कुछ टाइम बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप में आप बिल्कुल एकदम स्मूथली आगे बढ़ रहे होते हो, ठीक है, बहुत अच्छा फ्लो होता है स्टार्टिंग में जब आपको ट्विन फ्लेम जर्नी कंफर्म हो जाती है। पर जैसे ही जर्नी में आप आगे बढ़ते हो ना, पुरानी चीज़ें आपकी रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। कभी कभी आप डार्क नाइट ऑफ द सोल भी फेस करते हो, तो क्या होता है, वहाँ पे आपकी निगेटिविटी रिलीज़ होती है, आपके इश्यूज़ रिलीज़ होते हैं, और आपकी जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस या सफरिंग, सब कुछ आपका रिलीज़ होता है अवेकनिंग के बाद भी, ठीक है। तब भी कहा जाता है, आपको लगता है कि अब अवेकनिंग हो गई, अब कोई पेन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट बीच बीच में डार्क नाइट ऑफ द सोल भी आ जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके सोल में ये पहले के ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, ये वुंड्स हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है आपका, ठीक है, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अवेकनिंग के बाद होना सब कुछ रिलीज़ है। तो मेरे अंदर एक एंगर का इशू बहुत ज़्यादा था, ईगो की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, मतलब एक तरीके से मेरा करियर भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस था, ठीक है, फैमिली इशू भी बहुत ज़्यादा, फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता जा रहा था। और ये बचपन से मेरे साथ कभी नहीं था, ठीक है, ये कुछ टाइम से हुआ। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई, उस टाइम ये चीज़ें मेरे साथ होना बहुत बुरी तरीके से ये सब कुछ होने लगा। मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये आखिर हो क्यों रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो मेरे अंदर सबसे ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी इम्बैलेंस थी, और विक्टिम मेंटलिटी, आर्ग्यूमेंट करना, छोटी छोटी बातों पे बहस करना, या दो लोगों के बीच कोई फाइट हो रही है या कोई बात चल रही है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करना। मैं अपनी ही फैमिली की बात कर रही हूँ, हर जगह नहीं, ठीक है, जैसे मॉम डैड बात कर रहे हैं तो वहाँ बोलना, भाई बात कर रहा है तो वहाँ पर मैं रोक भी नहीं पाती थी। तो यहाँ से मेरा बहुत ज़्यादा सोचना भी स्टार्ट हो गया कि ये मैं कर क्या रही हुई, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं समझ में आता था। तो ये क्या था, मेरी इनर मैस्कुलाइन एनर्जी कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा ओवर एक्टिव थी। मैं रिलेशनशिप पे बिलीव नहीं करती थी, मैं लव पे बिलीव नहीं करती थी। लव कुछ नहीं होता है, सिर्फ धोखा होता है, आजकल दुनिया में यही चल रहा है। तो क्या था, हार्ट चक्रा भी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड होता चला गया, या ये बोलूँ इम्बैलेंस हो गया पूरी तरीके से। किसी मैस्कुलाइन को देखकर कोई भी, जैसे फैमिली में ही मैस्कुलाइन एनर्जी हैं, भाई हैं, डैड हैं, या आपका फेमिनाइन एनर्जी है, किसी को भी लेकर कोई लव फील नहीं होना, कोई इमोशन फील नहीं होना, कोई फीलिंग ही नहीं होना, ठीक है। तो ये क्या है, आपका मैस्कुलाइन एनर्जी इम्बैलेंस है। बहुत बुरी तरीके से आपका सैक्रल चक्रा भी ब्लॉक्ड हो जाता है धीरे धीरे, या ये बोलूँ इम्बैलेंस हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगते हो अचानक से, फियर, अनचाहा फियर, कभी मनी को लेकर फियर, कभी लॉसेस को लेकर फियर, कभी रिलेशनशिप का फियर, कभी फैमिली को लेकर फियर, करियर को लेकर फियर, हेल्थ को लेकर फियर, तरह तरह के फियर आपको डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा, आपके साथ कुछ होता है ना तो आप रीज़न ढूंढते हो कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट जब आपका मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत इम्बैलेंस होता है तब आप ये नहीं सोचते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप ये सोचते हो मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहा है, सब अपनी लाइफ में खुश हैं, मैं क्यों खुश नहीं हूँ। मतलब रीज़न नहीं ढूंढ रहे हो आप, ब्लेम कर रहे हो अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, अपने आप को, रीज़न के पीछे नहीं जा रहे हो। बट जब अवेकनिंग होती है और आप जब जर्नी में आगे बढ़ते हो, सेल्फ रियलाइजेशन में आते हो, आपका डीप रियलाइजेशन चलता है, देन आपको समझ में आने लगता है कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। आपको लगने लगता है, अच्छा मेरे साथ इसलिए ऐसा उस पर्सन ने किया था, अच्छा कोई लेसन दिया जा रहा था उस टाइम, अच्छा मेरी फैमिली ने इसलिए मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ इसलिए ऐसा किया था, क्यों किया जा रहा था, आपको कहीं ना कहीं लेसन दिए जा रहे थे, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा था, ठीक है। क्योंकि आप अगर ट्विन फ्लेम हो तो आपका कोई ना कोई पर्पस है इस अर्थ पे आने का, ठीक है।
तो आपको बहुत सारे लेसन लर्न करने होते हैं, किसी को कम लेसन लर्न करने होते हैं। तो जब मेरी मैस्कुलाइन एनर्जी इम्बैलेंस हुई थी, बहुत ही ज़्यादा मैं डिस्टर्ब थी, मेंटली डिस्टर्ब, ठीक है। लोगों को तो दिखता था कि मैं बहुत खुश हूँ और दूसरे मुझसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील करते थे, बट मैं सामने वाले से पॉजिटिविटी फील नहीं करती थी। क्यों? सामने वाला कहीं ना कहीं निगेटिविटी देता है, निगेटिविटी अपनी सेंड करता है, और आप अगर ट्विन फ्लेम हो या स्पिरिचुअल सोल हो तो आपकी एनर्जी अफेक्ट होती है। कब होती है? जब आप इनर वर्क भी नहीं किया हो, या आपका पता भी नहीं है आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, कुछ भी, तो उस टाइम की ही मैं बात कर रही हूँ। बट जब मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे ना तो मुझे किसी से पॉजिटिविटी मिल रही थी और ना ही मुझसे किसी को पॉजिटिविटी मिल रही थी। ये सबसे गंदा फेस होता है, और ये हर किसी के साथ, कुछ लोगों के साथ लंबे टाइम के लिए होता है और कुछ लोगों के लिए एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। बट होता ज़रूर है, डीएफ के साथ हो या डीएम के साथ, कि आप भी सामने वाले को पसंद नहीं कर पाओगे और आपको भी सामने वाला पसंद नहीं करेगा। यही बोलेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा निगेटिव है, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करती है, या हमेशा लड़ाई की ही बातें करती है, इसे तो कुछ आता ही जाता नहीं है, ये बस दूसरों की बुराई करती है, ठीक है, और आप भी सामने वाले से खुश नहीं होंगे। तो ये होता है पीक पर आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम। तो जब आपका मैस्कुलाइन एनर्जी इम्बैलेंस होगा, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, फाइनेंशियली इम्बैलेंस हो जाओगे, आपको लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्यों होने लगा है मेरे साथ, फैमिली से रिलेशनशिप ख़राब होने लगेगा आपका। जो अगर मैस्कुलाइन एनर्जी इम्बैलेंस है, तो ईगो का सबसे बड़ा इशू आपके अंदर होगा, दूसरा एंगर का इशू आपके अंदर बहुत होगा, तीसरा आर्ग्यूमेंट का इशू बहुत ज़्यादा होगा, फोर्थ आपका विक्टिम मेंटेलिटी होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर ईगो किस बात का है, एंगर किस बात पे आ रहा है, आप किस बात पे आर्ग्यूमेंट करते हो, आपकी विक्टिम मेंटेलिटी कब से बनने लगी, या किस वजह से आपकी जो मेंटेलिटी थी बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटेलिटी में चेंज होने लगी, क्या रीज़न रहा। ये सब चीज़ें आपको अपनी जर्नी में धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं, और आपका मैस्कुलाइन एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है, आप ईगोलेस होने लगते हो, और जो आपके अंदर का निगेटिव इश्यूज़ हैं या जो निगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस हैं, आप जब वर्क करते हो, हीलिंग करते हो, देन आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होने लगती है। एक सेल्फिश वाली एनर्जी भी बताती है कि आप कहीं ना आपका कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन एनर्जी इम्बैलेंस है, आप दूसरों को चाहते हो प्रॉफिट ना हो, मुझे प्रॉफिट हो, या सामने के साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ भी हो अच्छा, या आपके साथ जो अच्छा हो रहा है आप नहीं चाहते कि दूसरे के साथ भी अच्छा हो। तो ये भी एक गलत थॉट होता है, निगेटिव थॉट होता है, ठीक है। बट आप दिखा तो रहे दूसरों को कि मैं बहुत खुश हूँ आपकी सक्सेस से, बट आपको अंदर ही अंदर जलन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, या आप सोचते हो कि सामने वाला इस पोजीशन पे पहुँच गया तो मैं क्यों नहीं पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ, ठीक है। तो आप बाहर से कुछ और हैं, अंदर से कुछ और है, ये भी मैस्कुलाइन एनर्जी को शो करता है, या फेमिनाइन एनर्जी भी है आपकी। आप जब तक अंदर से प्योर नहीं होंगे, तब तक आप प्योरिटी की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है, आप लॉयल नहीं हो। ऐसे ही जब फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस हुई थी, तो भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, और क्या थे वो साइन वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ज़रूर। बट ये मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, अगर आपका मैस्कुलाइन पार्ट इम्बैलेंस है, फेमिनाइन एनर्जी भी आपकी इम्बैलेंस होती ही होती है, तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से एक इनर डीएम डीएफ पर वीडियो बना रखा है, उसको कीजिए। प्लस कोई इशू है इनसे रिलेटेड, ठीक है, उसको मिरर एक्सरसाइज से हील कीजिए, अगर मनी का इशू है तो उस पर भी वर्क कीजिए, ठीक है। और बहुत से लोगों का आता है कि मैम मनी के लिए हम क्या कहें, पहले आप देखिए मनी का इशू आपके अंदर कैसे आ रहा है, कहीं एंसेस्टर कर्स तो नहीं है, दूसरा आपने मनी की कभी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं किया, या मनी को आपने कहीं गलत जगह तो नहीं लगाया, या मनी को लेकर आपने निगेटिविटी तो नहीं अपने अंदर क्रिएट की है। इन सब चीज़ों को गौर कीजिए पहले, ठीक है। अगर एंसेस्टर कर्स है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पितृदोष जो है उसके लिए पूजा पाठ करनी होती है, वो आप कराइए फैमिली में, अगर आपको कंफर्म है तो। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है, आपने पैसों का कहीं ना कहीं गलत तरीके से यूज़ किया है, जिसकी वजह से आज पैसा आपके पास नहीं रुक रहा है। बट यकीन मानिए,
आप जब हीलिंग करते हैं, इनर वर्क करते हैं, जब निगेटिविटी रिलीज होने लगती है तो मनी ब्लॉकेज भी आपका रिलीज होता है। अगर एंसेस्टर का इशू है तो उसका आप अलग से देखिए, जो मैंने बताया है, पूजा पाठ करा सकते हैं। अगर एंसेस्टर का इशू नहीं है तो आप होपोनोपोनो प्रेयर से मनी ब्लॉकेज को रिलीज़ कर सकते हैं। साथ ही पॉजिटिव अफर्मेशन जो होती हैं मनी को लेकर, आप वो बोल कर भी अपना मनी ब्लॉकेज रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मैस्कुलाइन एनर्जी को शो करता है। ठीक है, अगर ये इम्बैलेंस है, अगर आपके डीएम हो या डीएफ हो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है, फिज़िकल बॉडी इम्पॉर्टेंट नहीं, मैं यह एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मैस्कुलाइन एनर्जी जब जब इम्बैलेंस होती है तो ये सारे इशू ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और जितना मुझे अभी समझ में आया और जो भी इश्यूज थे वो मैंने यहाँ पे कवर किए, हो सकता है कुछ हो जो मैंने कवर नहीं किए हो या याद ना हो, पर जितना भी याद था या जो भी मैं अपनी लाइफ से कनेक्ट करके आपको बता पाई, ठीक है, तो वो सब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मैस्कुलाइन एनर्जी जब बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, तो ये सारे ब्लॉकेजेस इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो ये था आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।